हरियाणा, दूध दही का खाना मारा हरियाणा, जितनी मिठी बोली लट तो नहीं पड़ा यहां, उतना ही मिठा देश। और पूरा हरियाणा एक तरफ, रोहतक जिले की मिठास एक तरफ। टाइम पूछ लो तो बोले फांसी चढ़ना है क्या, सीधा जवाब नहीं आएगा। रास्ता पूछ लो, भाई साहब सड़क कित जा सी, बोला बेटा सड़क कहीं नहीं जाएगी, तुझे ही जाना पड़ेगा। चार चार हरियाणा के स्विफ्ट गाड़ी में बैठ के, कौन सी गाड़ी में, हाँ चार ही आवे हैं उसमें, तीन तो गए थे मांगण ने खाटू श्याम जी के, और एक गया था देखण ने, वो मांगण नहीं गया था। चारों के चार किसान, अब पहले की बारी आई, बाबा बोला भाई के करे है, बोला किसान सू, बोला के चाहिए, किसान रोन लग गया, बोला बाबा आज तक जितने लोग मिले सारे मांगण की बात करे थे, तू पहला मिला जो देवण की बात करे है। तो बोला एक काम कर, रोन लग गया, बोला बाबा मैं जब खेता में जाऊं सू मने पैदल जाना पड़े से, तो तू एक काम कर मने एक चमचमाती, बाबा ने लागे गाड़ी मांगेगा साइकिल दे दे। बाबा बोला बावड़े 2500 रुपए तने रोहतक से खाटू आने जाने के लगा दिए, तो 2200 रुपए की साइकिल ले आता। बोला बाबा जो साइकिल मैं लाऊंगा वो 5-6 महीने चलेगी, मगर जो तेरी कृपा से आएगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, तेरे वाली चाहिए। अब दूसरे की बारी आई, पहला रोन लग गया साइकिल वास्ते, उसने देखा भाई थोड़ा सा रोया साइकिल ले गया, वो और ज्यादा रोन लग गया, बाबा ओ बाबा मैं भी खेता में जाऊं सू पर मन्ने भी पैदल जाना पड़े से, पर मेरा पैर में दर्द रहे है, तो तू एक काम कर मने चमचमाता। बाबा ने लागे हेलीकॉप्टर मांगेगा, बोला चेतक स्कूटर दे दे, बोला बाबा बस, बोला जा तू भी ले जा। अब तीसरा दिल्ली होके गया था, उसने देखा थोड़ा रोया साइकिल मिली, थोड़ा ज्यादा रोया स्कूटर मिल गया, वो फूट फूट के रोने लग गया, बाबा बाबा मैं भी खेता में जाऊं सू। बाबा बोला फिर तने क्या चाहिए, बोला मेरा वजन बहुत कम है। बोला बाबा तने वजन चाहिए, बोला ना बाबा प्रॉब्लम यह है मैं भी खेता में जाऊं सू, मेरे बाप ने मेरी ड्यूटी खेता में पानी डालन की लगा रखी है, और पाइप में प्रेशर इतना ज्यादा है, और मेरा वजन इतना कम है, यहां से चालू होता हूं तो घूम के अपने आप यहां हो जाता हूं, और पानी एक ही तरफ जाता है दूसरी तरफ जाता नहीं, तो तू एक काम कर, तू मने 2 करोड़ रुपया की एक चमचमाती लाल फरारी दे दे, खिड़की खोल के पानी दिया करूंगा पूरी खेता में, तेरे लिए कोई बड़ी बात को नहीं। बाबा का तू भी ले जा। अब चौथा जो गया था वो था अणखी, 250 एकड़ जमीन, और जिनकी कोठी दाणे उसके कमले भी सियाने। बाबा बोला भाई तुझे क्या चाहिए, उसको गुस्सा आ गया, बोला तुझे सारे मंगते नजर आते हैं, लाइन लगी हुई है यहां, क्या सोचता मैं भी मांगना आया हूं। बाबा बोला फिर के करना आया, बोला बाबा मांगण मांगण को नहीं आया, मैं तो देखने आया था तू देवे भी है या वही शोर मच रखे है, पर वाकई तेरे दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है, और तू नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन काला, तो तू अब एक काम कर, खाटू वाले श्याम दणिया खाटू वाले श्याम दणी, मन चस्का इक तेरी यारी का, यारी का मन चेतक चाहिए जी, ना जस का लाल फरारी का हो।
देना मगर इनको अपने सिवा किसी और का कर्जा ही मत होने देना, क्योंकि जब एक बार कर्जा होने लगता है तो उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भाइयों, आपके पास तो लोन देने वाली बहनों का फोन आता होगा, लोन ले लो भाई साहब, इंटरेस्ट रेट कम है। मुन्ना भैया, गुस्सा मत हुआ करो, किस्मत वाले हो, देने के लिए फोन आ रहा है, लेने के लिए चालू हो गया, मोबाइल बंद करके सोया करोगे। उसको कहा करो बहन, तो दिन में एक बार नहीं चार चार बार फोन किया कर, ताकि फीलिंग आती रहे, सिस्टम ठीक चल रहा है। ना कर्जा करना मने कमाना, इज्जतदारी का। तो जिसको इज्जतदारी की जिंदगी चाहिए, जरा दोनों हाथ खोल कर, ना तुमने ना तुमने ना तुमने चेतक चाहिए जी, कुछ
खाएगा के। जाट बोला 5 घंटे से लाइन में लगा था तब तुझे याद नहीं आई, सामने आ गया तो तुझे शर्म आके पूछता क्या खाएगा। और सुन, तेरे खत पर थोड़ी मिठाई दिल्ली से लेकर आया हूँ, थोड़ी मिठाई मैं गांव से लेकर आया, थोड़ी मिठाई मैं गांव से लेकर आया, घर का बेसन तेरे खातर थोड़ी मिठाई गांव से लेकर आया, घर का बेसन और देसी घी मिलवा कर आया, घर का बेसन और देसी घी मिलवा कर आया। पापा बोला बाहर से ले आता, जाटनी को क्यों परेशान करा, बाहर से ले आता। जाट बोला बाबा तना को नहीं मेरा, बाहर आजकल थोड़ा मिलावट ज्यादा मिला है, साफ सुथरा बड़ी मुश्किल से मिला है, और वैसे भी बीए एमबीए मास्टरी की हुए नौजवान तो घर में बैठे हैं, और व्यापार कौन कर रहा है। ओ बैठ के देख जवाना पापे व्यापार चलाते हैं, सुबह कराते कपाल भाती शाम को घी खिलाते हैं, बैठ के देख जवाना पे व्यापार चलाते हैं, बैठ के देख जवाना पे व्यापार चलाते हैं। तेरे खातर थोड़ी मिठाई मैं गांव से लेकर आया हूँ, खातर थोड़ी मिठाई मैं गांव से लेकर आया हूँ, घर का बेसन और देसी घी मिलवा कर लाया हूँ, घर का बेसन और देसी घी मिलवा कर लाया हूँ। तू भोग लगा ले मन चंदक चाहिए। ये मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, 4 लाइनें आपके लिए सुना रहा हूं। जम्मे आसी जदों मैं खाटू जी गया सी, बापू जी ने मेरे बारे बापे नू कहा सी, नान चाचा गया सी कहंदा खाटू नरेश की जय जयकार चाचा जी ने करनी सिखाई, नीओ दे बाद मित्तला दा नाम हो गया, मेरा 16वां भी टप्पया 17वां भी टप्पया 18वें च बाबे दा गुलाम हो गया। एक सांवरे दे प्रेमी नाल यारी पै गई, नाल खाटू जी भी जान दी तैयारी हो गई, और जिनकी शादी हो गई घरवाली ने भी दो दो परौंठे पैक करते, नाल नींबू दी अचार थैली विच तरते, जदों वेखिया वे सांवरे दा मुखड़ा सांवरे दा मुखड़ा, नियो दे बाद मित्रां दा काम हो गया, सोलवां भी टप्पया 17वां भी टप्पया 18वें च बाबे दा गुलाम। तू भोग लगा ले सांवरिया मन मजा समाजे यारी का, यारी का। मेरा समय आज बड़ा आनंद आया चांदनी चौक में, आपको आया क्या, शोर मचा के बता दो एक बार आया तो। नाते मन चेतक चाहिए जी, ना 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 चसका लाल बरारी का, नाते मन चेतक चाहिए जी चसका लाल बरारी का, पूरा कीर्तन आपके फरमाइशों का था।